रियलमी 9 प्रो प्लस है अपने पास जो कि नया लॉन्च हुआ है। हमारे पास है वन प्लस का नॉट 2 एंड इस वीडियो में प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे एंड सबसे पहले बात करेंगे कैमरास के बारे में। तो दोनों ही सोनी IMX766 विद OIS के साथ आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही फ़ोन में, बट एक जो है 5000 महंगा आता है एंड एक 5000 चीपर आता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5000 बचा लूँगा एंड सेम एक्सपीरियंस जो है मेरे को मिल जाएगा विद रियलमी 9 प्रो प्लस, तो क्या आप सही हो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड क्या आपको 5000 बचा के ये लेना चाहिए या 5000, या अगर ऑफर में आपको 27 का मिलता है तो 2-3 हज़ार ज़्यादा डाल के आपको ये लेना चाहिए, बट क्या आपको अभी ये लेना चाहिए वो भी आपको मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वन प्लस का जो नॉट 2 है, अगर आपको 27 का मिलता है आप ले सकते हैं, बट आई थिंक नॉट 3 भी आने वाला है 3 महीने में या 4 महीने में। बट अभी IQ9SE देखने के लिए मिलता है विद स्नैपड्रैगन 888 एंड सेम लेवल का कैमरा, इवन उससे बेटर कैमरा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर अल्ट्रा वाइड बेटर है एंड उसी अल्ट्रा वाइड से आप मैक्रोज ले सकते हैं। एंड हमने IQ7 में भी बताया था कि वन प्लस नॉट 2 एंड IQ7 में अगर चूज करने के लिए बताया जाए तो शायद IQ7 इज अ बेटर ऑप्शन क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो बेटर है। एंड सेम एक्सपीरियंस विद स्नैपड्रैगन 888 आपको IQ9SE में भी देखने के लिए मिलेगा, तो वो बेटर फोन है विद बेटर प्रोसेसर एंड बेटर कैमराज। हाँ, अगर ऑफर में आप 31 का लेते हैं तो सही है एंड उसमें अगर मिल जाता है तो इसी प्राइस पॉइंट में अगर लेना चाहते हैं तो दैट वाज द बेटर फोन, दैट इज़ द बेटर फोन अभी भी। IQ9SE की बात कर रहे हैं एंड IQ7 भी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो क्योंकि अगर वो भी कभी कभी सस्ता मिल जाता है 25-26 का भी देखा हुआ है, हमने 24 का भी देखा हुआ है लास्ट ऑफर में, तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको जो रियलमी 9 प्रो प्लस में से अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन है उस वीडियो में मैं जो है इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पहले कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि सोनी का IMX766 विद OIS दोनों में देखने के लिए मिलता है तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बेटर कलर्स एंड बेटर एक्सपोजर जो मेंटेन करता है एंड बेटर जो है एक नेचुरल लुक के साथ जो जाता है विथ अच्छा कंट्रोल एक्सपोजर, ये बात आप ध्यान में रखें, एक्सपोजर कंट्रोल अभी भी जो वन प्लस नॉट 2 है वो बेटर है उसमें। एंड उसकी एल्गोरिदम डेफिनेटली ओप्पो का सेम कैमरा ऐप देखने के लिए मिलता है एंड सेम सॉफ्टवेयर भी है, बट एल्गोरिदम अभी भी आई थिंक वन प्लस बेटर है एंड वो दिखता है जैसा कि एक्सपोजर कंट्रोल ये करता है। रियलमी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है विद ये सेंसर के साथ एंड डेफिनेटली अंडर 25,000 किसी भी कैमरा फ़ोन से अगर आप किसी भी अदर स्मार्टफोन से आप कंपेयर करेंगे तो डेट इज़ दिस इज़ द बेटर फ़ोन विद जो नाइट मोड भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बट अगर दोनों को कंपेयर करेंगे साइड बाई साइड तो मेरे को वन प्लस नॉट 2 बेटर लगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक के साथ जाता है, बट अभी यहाँ पर जो पीला जो इफेक्ट है, जो येलो टिंट अभी भी जो रियलमी के सारे फ़ोन्स में भी अभी देखने के लिए जो पीलिया टाइप का जो स्किन टोन या पीलिया टाइप का जो बैकग्राउंड में भी जो येलो कलर का टिंट देखने के लिए मिलता है ना, वो अभी भी मौजूद है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया बट अभी भी वो मौजूद है, वो देखने के लिए मिलता है। एंड पोर्ट्रेट्स में भी मेरे को बेटर लगा, जो वन प्लस का जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी मेरे को बेटर लगा। एंड फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का जो देखने के लिए मिलता है उसमें डिटेलिंग ज़्यादा है, तो फ्रंट कैमरा के मामले में मैं वन प्लस नॉट को ही चूज़ करूँगा। एंड अगर नाइट मोड के साथ कंपैरिजन करेंगे ना तो नाइट मोड में बहुत ज़्यादा लाइट तो गैदर कर लेता है जो रियलमी का 9 प्रो प्लस है, बट एक बेटर नाइट मोड वाला फ़ोन अगर एक चूज़ करने के लिए बताया जाए तो दोनों का ही नाइट मोड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बढ़िया है, बट एक चूज़ करने के लिए बोलेंगे तो मैं वन प्लस नॉट 2 चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को नाइट मोड के पिक्चर्स बेटर लगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो मेरे को वो बेटर लगा। तो एज ए कैमरा फ़ोन एंड जो एल्गोरिदम चल रही है शायद हार्डवेयर सेम है, बट एक चीज़ में मेरे को थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड जो सेंसर यूज़ किया गया वो सोनी का है 8 मेगापिक्सल वाला, एंड वो थोड़ा सा बेटर मेरे को लगा अगर वन प्लस से मैं कंपेयर करता हूँ, रियलमी 9 प्रो प्लस में थोड़ा सा बेटर है। अदर देन दैट फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, नाइट मोड सब कुछ में जो है मेरे को इवन वीडियोस में भी ये थोड़ा सा जो है ओवर सैचुरेट करता है, इवन कलर्स में भी जो डेटा इमेजेस है उसमें भी थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करता है एंड एक्सपोजर हैंडल नहीं कर पाता है उतना बढ़िया जैसा कि वन प्लस नॉट 2 करता है, तो मेरे को वीडियोस में भी यही बेटर लगा क्योंकि कलर जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो ये सम अप करता हूँ मैं, कैमरास में सेम हार्डवेयर तो है बट वन प्लस नॉट 2 बेटर है। बाकी चीज़ों की बात करते हैं, हैप्टिक फीडबैक की बात कर लेते हैं। हैप्टिक फीडबैक गिटार के स्ट्रिंग्स जैसे हैप्टिक्स अगर आप फील करना चाहते हैं जो कि प्रीमियम फोन्स में वही देखने के लिए मिलता है तो आपको वो वन प्लस नॉट 2 में मिल जाता है, वगैरह यहाँ पर भी हैप्टिक्स अच्छे हैं बट वन प्लस नॉट 2 के लेवल का नहीं है। स्टीरियो स्पीकर्स की बात करते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स का एक्सपीरियंस वन प्लस नॉट 2 में मेरे को बेटर लगा है एंड डेफिनेटली यहाँ पर भी अच्छे स्टीरियो स्पीकर्स हैं बट इसके लेवल का फिर से नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन ओएस का जो एक्सपीरियंस है
एंड यहाँ पर मोर और लेस रियलमी यू आई 3.0 है, जिसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मेरे को अच्छी लगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट ऑल ओवर अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करोगे तो अभी भी ऑक्सीजन ओएस कितना भी कलरफुल क्यों ना हो, वो एनी डे रियलमी यू आई 3.0 से तो बेटर ही आपको देखने के लिए मिलता है विथ नो ब्लोटवेयर्स। खाली एक ऐप आता है जो कि शायद नेटफ्लिक्स है। एंड आगे बात करते हैं बैटरी के बारे में, बात करते हैं बैटरी के बारे में मामले में Realme 9 Pro Plus जो है बेटर है, क्योंकि वन डे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। दोनों में 4500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, 65 वाट का सेम चार्जर है। बट जो OnePlus Nord 2 है वो सुपर फास्ट चार्जिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, मतलब ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है, अंडर 30 मिनट ये चार्ज करके आपको फिनिश हो जाएगा काम। एंड ये 45 मिनट, पता नहीं क्यों इसमें ज़्यादा लग रहे हैं बट यहाँ पर 45 मिनट जो है लग जा रहे हैं फुल चार्ज होने में। बट इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा है एंड वन डे निकाल लेता है, जैसा कि मेरा काइंड ऑफ यूजर्स है, जहाँ पर मैं जो है ट्विटर एंड इंस्टाग्राम में ज़्यादा रहता हूँ एंड जो यूट्यूब का स्टूडियो ऐप है वहाँ पर ज़्यादा रहता हूँ। यूट्यूब का कोई एडिटिंग वगैरह काम यहाँ पर नहीं चलता, जो कि मेरे वो आईफोन में चलता है। बट ये छोड़ के जो कॉल्स वगैरह लेना, मैसेजेस वगैरह करना, टेलीग्राम यूज़ करना, ये पूरा दिन का जो काम रहता है, ट्रैवल करना, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन होता रहता है। जैसे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो है नेटवर्क फ्लक्चुएशन होता रहता है। एंड करियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट दोनों में बहुत बेटर है एंड उसमें दोनों में मैं टाई देना चाहूँगा, करियर एग्रीगेशन दोनों में अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। बट बैटरी बैकअप यहाँ पर ये होता है कि रात को आके मेरे को ये चार्ज करना पड़ता है, वेरस ये पूरा दिन निकाल लेता है। तो इसकी बैटरी बैकअप अच्छी है बट इसकी चार्जिंग स्पीड जो है फास्ट देखने के लिए मिलती है, तो ये है। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भाई टाई देखने के लिए मिलता है। अगर 1200 के स्कोर ज़्यादा है डायमेंसिटी 1000 अगर उसे कंपेयर करेंगे तो डायमेंसिटी 920 के साथ, तो स्कोर्स में तो ये बेटर है बट डे टू डे लाइफ में आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। एंड इवन पबजी की अगर बात करेंगे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या खेलता नहीं हूँ, बट मैंने पबजी का एक्सपीरियंस यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ मेरे को लगा रियलमी 9 प्रो प्लस में। दोनों ही सेम है, पबजी में ऐसा नहीं है कि कोई थ्रॉटल करता है या कोई जो है फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है इन दोनों फ़ोन्स में। दोनों ही फ़ोन्स पबजी में बहुत ज़्यादा बेटर है बट एज अ नूब पबजी प्लेयर मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों थोड़ा सा जो है स्मूथ एक्सपीरियंस मिला विद डायमेंसिटी 920, जो कि मेरे को मी 11 आई में भी फील हुआ था। अगर स्नैपड्रैगन 778 से भी कंपेयर करेंगे तो 920 पबजी में मेरे को बेटर एक्सपीरियंस लगा डायमेंसिटी 920 के साथ। तो ये जो है ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर आउट कर दिया है, सम अप कर दिया है इन दोनों फ़ोन्स के बारे में एंड आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अभी नॉट 2 से बेटर फ़ोन है मैंने बता दिया IQ9 SE, बट अगर आप ऑफर में मिल जाता है 27 का तो आप ले सकते हैं। बट अंडर 25,000 Realme 9 Pro Plus एक बहुत ही बेटर फ़ोन है। अंडर 25,000 कोई भी स्मार्टफोन इसे कैमरास के मामले में तो बीट नहीं कर पाएगा। अगर आप Mi 11 i से भी कंपेयर करेंगे शायद उसका स्क्रीन बेटर है बट यहाँ पर जो है आपको कैमरास बेटर मिल जाते हैं। एंड मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में नहीं बताया, तो डिस्प्ले यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है विथ 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट, 90 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है एंड दोनों में ही 6.43 इंच का सेम ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले है। एक चीज़ यहाँ पर बेटर है वन प्लस नॉट टू में, जिसकी यहाँ पर चिन जो है बहुत ज़्यादा पतली है, यहाँ पर चिन बहुत ज़्यादा मोटा भद्दा देखने के लिए मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है। यहाँ पर फोटोक्रोमेटिक ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जो कि कलर चेंज करता है एंड ये मोर प्रोफेशनल लुक के साथ जाता है, जो कि पोर्सिलन फिनिश में जो नॉट ब्लू है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा फ़ोन है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। विद डस्ट सैंडस्टोन केस वो एक अलग लेवल का प्रोफेशनल लुक देता है, वेयर एज फंकी लुक देता है ये। दोनों में से अगर कोई चूज़ करने के लिए बताए तो कभी मैं इसे चूज़ कर लूँगा एंड कभी मैं इसे चूज़ कर लूँगा, जब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखना है तो शायद मैं ये निकल जाऊँ एंड मेरे को फंकी लुक चाहिए संडेज़ में, वीकेंड्स में अगर मेरे को फ़ोन लेकर बाहर निकलना है तो शायद मैं ये चूज़ कर लूँ, क्योंकि जैसे मैं सन में जाऊँगा तो इसके कलर भी चेंज हो जाएंगे एंड डेफिनेटली अगर तो वो एक अलग लेवल का जो है वो जो है आपको एक फीलिंग दे जाएगा। एंड आपको यहाँ पर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है यहाँ पर हार्ट रेट भी सेंस कर लेता है, तो वो एक नया चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एंड इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।